नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया भी है दो ही प्लम्बर। साथियों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को बजा के रखिए। साथियों आज मैं खुश नहीं हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ और इसका कारण मैं ही हूँ, दूसरे को दोष क्यों दूँ। लेकिन भगवान की कृपा है और मेरे माता पिता गुरु की कृपा है, महादेव की कृपा है कि मैं ठीक हूँ। साथियों मैं एक साइड से दूसरे साइड जा रहा था, किसी काम से जा रहा था तो रास्ता खाली था, तो मैं बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था, ठीक है ना, 80 के ऊपर चला रहा था गाड़ी। आप समझ सकते हैं कि 80 कितना फास्ट हो गया, ठीक है ना। तो बहुत स्पीड में जा रहा था, कुछ आगे जाने के बाद घूमने का मतलब एक इशारा था, लेकिन वहाँ पे रंबल के बीच में कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत जगह इशारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो घूमने का था एक जगह में आगे जा करके, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि वहाँ घूमने का है, क्योंकि मैं दूसरा रास्ता से जा रहा था। तो काफ़ी स्पीड गाड़ी था, तो जैसे घूमने की जगह पे मैं पास में गया, तब तक देखा यार घूमना है और गाड़ी तो मेरा बहुत फास्ट है। एक बाइक गाड़ी को मोड़ा, ब्रेक पे थोड़ा सा लात डाला, है ना, मेरा गाड़ी सीधा हवा में उड़ गया, सीधा हवा में उड़ करके 10-15 फुट उस तरफ जा कर गिरा रंबल पे। शुक्र मनाए रंबल पे गिरा तो मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा इधर चोट आया है ना, मतलब 15 फुट बाद जाकर गिरा, धड़ाक दे गाड़ी और सीधा चक्का ऊपर मैं नीचे। फिर मैं शीशा तोड़ के बाहर आया। साथियों गलती क्या होता है ड्राइविंग सब लोग करता है, ठीक है ना, ड्राइविंग सब लोग करता है, गलती यही होता है कि हम बहुत फास्ट चलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, हमें नहीं देखते कि यार कहीं गाड़ी को घुमाना होगा, कहीं कुछ लगाया होगा, मतलब है ना, ये हम ध्यान नहीं देते। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप दुबई में गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, तो आप एक लिमिट होता है कि 80 के स्पीड में चलाना, उससे ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है। अगर उससे ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना, सही बात है ना। तो वही गलती है मेरा, और मैं यही बताऊंगा जो भी मेरा भाई इधर चला रहे गाड़ी दुबई में, एक तो 80 से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। अगर आप चला भी रहे 80 तो आप अगला ध्यान रखिए, आगे कुछ दूर पर आपका ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई आगे घूमना है कि कुछ रुकावट है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें का ध्यान देना चाहिए ड्राइवर जो भी है। और मैं तो भगवान कृपा है, महादेव कृपा है कि हम ठीक है, सही, ठीक है ना, थोड़ा सा चोट लगा और सही हो गया, दवा खाए तो ठीक है ना। तो ये बताना था आपको कि कभी भी आप ड्राइविंग करिए तो विशेष करके ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। जी हाँ, बहुत एक्सीडेंट होता है, आजकल तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो लोग होम डिलीवरी लेके जाता है, बहुत फास्ट चलाता है। हम लोग तो यार कंस्ट्रक्शन एरिया में चलाता है ना कभी कभी, ठीक है ना, हम लोग तो काम करने वाला ड्राइवर तो है नहीं ना, कभी कभी इधर से उधर जाना होता है तो कभी कभी चलाता है। उसी में देखो उसके बाद गाड़ी पलट हो गया, उसके बाद मैं निकला, उसके बाद फ़ोन किया, उसके बाद है ना बहुत लफड़ा हो गया, फाइन बहुत आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि अपने आप को बचाना है ना। और एक और बात है, फ़ाइन से बचना, फ़ाइन बहुत मुश्किल है। फ़ाइन यहाँ इंडिया के 1,000-2,000 नहीं आता है, यहाँ का 1,000-2,000 आता है, समझिए। यहाँ के 1,000 दराम फाइन मार दिया तो इंडिया का 20,000 रुपया हो गया, एक महीना का सैलरी हो गया एक लेबर का, ठीक है ना। तो बस यही मेरा कहना है और मेरे ड्राइवर भाइयों को, भाई जब कभी भी आप ड्राइविंग करिए कहीं भी, तो विशेष करके ध्यान दीजिए कि हाँ आगे चल के कहीं रुकावट है, कहीं घूमने का है, राउंड अबाउट है, तो वहाँ आप लिमिट से गाड़ी चलाएँ, ठीक है ना। यह हमें एक शिक्षा मिली कि भाई गाड़ी चलाते समय ये ध्यान होना चाहिए कि आगे कुछ भी हो सकता है ना, कोई आदमी पार हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, कहीं घूमने का हो सकता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो कंट्रोल होना चाहिए, मतलब उतना ही स्पीड गाड़ी चलाइए कि जितना आप कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। हाँ ये मेरा मानना है, ठीक है। तो साथियों अभी तो ठीक हूँ, कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है ना। जी हाँ, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, परेशान ना हो, लेकिन जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, विशेष करके ध्यान रहे, यहाँ तो एक राइट साइड अपना साइड होता है, इंडिया में तो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे राइट साइड में जाना है ना, सब कुछ राइट साइड है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है ना। तो जो नए होंगे तो उनके लिए तो मुश्किल होगा, जो पुराने हैं मुश्किल नहीं है, ठीक है ना।
हाँ जो भी चीज़ है राइट साइड से है, ठीक है ना। हाँ हाँ ये भी बताना था आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गाड़ी जो होता है ना, ऐसे जैसे गाड़ी खा रहा है ना, लेफ्ट साइड में ड्राइवर बैठेगा, हमारा राइट साइड में हमारा साइड है, ठीक है ना। जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ ना, इधर मेरा ये लेफ्ट साइड है मेरा, ये मेरा ऐसे कैमरा में तो राइट दिखता होगा, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में ड्राइवर का सीट होता है और राइट साइड हमारा होता है। इंडिया में राइट साइड में सीट होता है और लेफ्ट साइड में हमारा साइड होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान है। बस फाइन से बचना चाहिए, फाइन इम्पोर्टेंट है, फाइन, ठीक है ना। फाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप गाड़ी चलाइए तो फाइन से बचिए। कैमरा लगा रहता है उससे बचना है अपने को, ठीक है ना। कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए इससे बचना है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं होता बचने का, ठीक है ना। हाँ तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।